हेलो गाइस, तो आज हम लोग अपने ओल्ड मोबाइल कवर को रीयूज करके एक ब्यूटीफुल सा मोबाइल कवर बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल कवर को ले लिया है। यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक की हेल्प से बॉर्डर लाइन बना रही हूँ। चारों तरफ हमें इस तरीके से बॉर्डर लाइन बना लेनी है, फिर हम इसे ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। यहाँ पर मैंने बॉर्डर लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे मोबाइल में बॉर्डर लाइन नहीं थी, तो जब भी मैं रेजिन का यूज करती तो वो चारों तरफ निकलने लगता। लेकिन अगर आपके फ़ोन में पहले से ही बॉर्डर लाइन है तो आप इसको स्किप कर दें। इसके बाद हमें लेना है रेजिन एंड हार्डनर। रेजिन एंड हार्डनर को हम 2:1 के रेशियो में लेंगे, यानी कि हमें 2 पार्ट रेजिन लेना है एंड 1 पार्ट हार्डनर लेना है। फिर दोनों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एटलीस्ट हमें इसे मिक्स करने के लिए 15 मिनट लगेगा ताकि इसके अंदर के जो बबल्स हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं। इसके बाद यहाँ पर मैं गोल्डन एंड पिंक कलर का ग्लिटर यूज कर रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ग्लिटर्स का यूज मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे मिक्सचर में एक अच्छी सी साइन आ जाए। इन दोनों पार्ट को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम अपने मोबाइल कवर पर पीकॉक फेदर को स्टिक करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पर कुछ भी स्टिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फेदर को स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैं फेविकोल का यूज कर रही हूँ। इसे ब्रश की हेल्प से चारों तरफ फैला देंगे। चारों तरफ अच्छे से फेविकोल लगा देने के बाद हमें इसे अच्छे से मोबाइल पर स्टिक कर देना है। इसे अच्छी तरीके से स्टिक करने के बाद हम अपने रेजिन एंड हार्डनर के मिक्सचर को इस मोबाइल कवर पर अच्छे तरीके से डालेंगे। इसे अच्छे तरीके से डाल के हमें अच्छे से चारों तरफ फैला देना है। इसके लिए मैं आइसक्रीम स्टिक का यूज कर रही हूँ। आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से हमें इसे चारों तरफ फैला देना है। इस तरीके से चारों तरफ फैलाने के बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, और हमें इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर गंदगी ना पहुँचे और ये बच्चे भी इससे दूर रहें। 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ड्राई हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ड्राई होने के बाद हमने जो बॉर्डर लाइन बनाई थी ग्लू स्टिक की हेल्प से, अब हम उसे रिमूव करेंगे। ये इजीली मोबाइल कवर से रिमूव हो जाएगा। पूरी तरीके से रिमूव करने के बाद हमारा ब्यूटीफुल सा मोबाइल कवर बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।